हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हिंदू वीर के नाम से पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री अयोध्या कही जाने वाले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के पूर्व विधायक एवं हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ लखन दादा के 14वें पुण्य स्मरण दिवस पर 11 फरवरी शुक्रवार को बंजारा जन विकास सेवा समिति के तत्वाधान में द्वारकापुरी स्थित बंजारा समाज धर्मशाला पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं कर्मवीरों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बंजारा जन विकास सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश मानावत ने मीडिया से चर्चा में बताया कि संस्था की अगुवाई में समग्र बंजारा समाज एवं आयुष विभाग के सहयोग से ब्रह्मलीन लखन दादा के जन्मदिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन का विधिवत शुभारंभ अतिथियों द्वारा ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह गौड़ के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वास्थ्य शिविर में आए मरीजों का आयुर्वेद होम्योपैथ एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ वैद्यों एवं डॉक्टरों द्वारा मरीजों का निशुल्क उपचार करते हुए उन्हें निशुल्क दवाइयां भी प्रदान की गई। इस अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा नेत्र रोगियों की जांच करते हुए निशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए मरीजों का चयन भी किया गया। इस दौरान हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ का उल्लेखनीय समाज सेवा कार्यों के लिए सम्मान भी किया गया। प्रकाश मानावत ने बताया कि इस अवसर पर आयुष विभाग के डॉक्टरों वैद्यों नर्स तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित करने के साथ ही बंजारा समाज के कर्मवीरों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री गौड़ को विधानसभा 4 के वार्ड क्रमांक 84 स्थित जिस उद्यान का नाम संत श्री सेवालाल जी के नाम पर किया गया है वहाँ पर उसकी पट्टिका भी अतिशीघ्र लगाने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर संबोधित करते हुए हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा कि ब्रह्मलीन लखन दादा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा रुचि रखते थे और इस क्षेत्र में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। आज मुझे खुशी है कि बंजारा समाज ने ब्रह्मलीन लखन दादा की पुण्यतिथि पर स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य शिविर लगाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन बंजारा जन विकास सेवा समिति के अध्यक्ष प्रकाश मानावत ने किया एवं आभार करण चौहान ने माना। शिविर में 688 मरीजों ने स्वास्थ्य का लाभ लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष शानु शर्मा प्रकाश मानावत करण चौहान मोहन राठौर रोमी पवार मदन चौहान प्रताप राठौर मुकेश राठौर रामेश्वर पवार दरबार नायक श्रीमती बबीता राठौर सहित बड़ी संख्या में बंजारा समाजन उपस्थित थे। बंजारा जन विकास सेवा समिति का भी मैंने ये कार्यक्रम का घोषणा मेरे आ गया और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आप अच्छा और अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी को साधुवाद बहुत बहुत बधाई। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों लखन दादा के बहुत बहुत प्रिय और दिल के करीब जो रहने वाले विषय थे और उसको लेकर के वो बहुत बहुत स्वयं भी चिंतित रहते थे हमेशा। ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास उन्होंने शुरू किया था हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के नाम से, जिसके माध्यम से उन्होंने शासकीय स्कूल के बच्चों को अभ्यास पुस्तिकाएं बांटने का कार्यक्रम शुरू किया था। तो हर वर्ष हम उनकी जयंती पर ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। 11 जुलाई लखन दादा की जयंती होती है, उस दिन हम धीरे धीरे उनका एक छोटा सा पौधा लगाया था। 30-40 हजार नोटबुक्स हम पहले वितरित करते थे और धीरे धीरे करके उनकी प्रेरणा से आज वो प्रकल्प इतना बड़ा हो गया कि हम 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाएं हर साल
सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटना है, प्रयास शुरू किया जैसा आज आप लोग कर रहे हैं, और मुझे मुझे बहुत बहुत विश्वास है कि आगे जाकर ये भी एक पंचवृक्ष के रूप में जरूर परिवर्तित होगा। तो इसके लिए आप और क्षमा भी मांगना चाहूंगा, लेट हो गया, बालक पुण्य तिथि थी, माल्यार्पण था, कई जगह में छोटे छोटे हुआ अपने कार्यक्रम थे, आपने उनकी स्मृति में यह कार्यक्रम रखा, इसके लिए भी मैं हृदय से आपको धन्यवाद अप्रिशिएट करता हूँ, और समाज के अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों, और केवल बंजारा समाज ही नहीं संपूर्ण यहाँ जितने भी अभावग्रस्त लोग हैं उस शिविर के माध्यम से लाभान्वित हों, ऐसे मेरी मंगल कामना है, और ऐसे ही हम जन कल्याण के छोटे छोटे प्रयास करते रहे, जनता के बीच में हम जाते रहे। सबसे पहले तो मैं बंजारा जन विकास सेवा समिति के प्रकाश जी और करण भैया को हृदय से साधुवाद देता हूँ कि एक बहुत अच्छा शिविर यहाँ के बस्ती के निवासियों के लिए उन्होंने यहाँ लगाया है, और आज लखन दादा की पुण्यतिथि है, उनकी स्मृति में ये शिविर आयोजित किया है, उसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। और आपने देखा होगा कि हिंदरक्षक के माध्यम से भी स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार काम कर रहे हैं। दादा जब शिक्षा मंत्री थे तब भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए थे, जो आज भी उस समय के जो शिक्षक हैं वो याद करते हैं उस समय को। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों उनके बहुत दिल के करीब के विषय थे, और उस पर लगातार वो कुछ ना कुछ करने की उनमें ललक रहती थी। तो हम भी हिंदरक्षक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पुण्योदय प्रकल्प का एक अभियान चलाते हैं, उसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को नोटबुक्स हम वितरित करते हैं, और समय समय पर अलग अलग अभियान चलते रहते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज बंजारा समाज ने ये शिविर यहाँ आयोजित किया है, और जिसका निश्चित रूप से यहाँ के निवासियों को लाभ मिलेगा, और बंजारा समाज हमारा इस क्षेत्र का जो है बहुत ही एक सक्रिय समाज है, एक्टिव समाज है, कुछ ना कुछ गतिविधियाँ वो सामाजिक स्तर पर करते ही रहते हैं, और ऐसे ही जन कल्याण के काम बंजारा विकास जन विकास सेवा समिति के माध्यम से चलते रहते हैं। तो उनके आने वाले प्रकल्पों के लिए भी मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम वो लेकर आते रहें, इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूं। पुण्यतिथि है बंजारा जन विकास सेवा समिति ने किस तरह से सार्थक तरीके से आज इस पुण्यतिथि पर सार्थक कार्य किया है? जैसा कि बंजारा समाज इंदौर बंजारा जन विकास सेवा समिति द्वारा लगातार समय समय पर सेवा के कार्य करता आ रहा है, आज इसी कड़ी में हमारे बीच में पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय लक्ष्मण सिंह गोड़ की पुण्यतिथि पर आज विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया, जिसमें विशेष रूप से आयुर्वेदिक होम्योपैथिक यूनानी डॉक्टरों ने निःशुल्क सेवा देकर आज मरीजों को जाँच कर निःशुल्क दवाएँ दी गई। साथ ही नेत्र शिविर के माध्यम से ऐसे मरीज जो मोतियाबिंद के निकलते हैं तो उनको दादा की पुण्यतिथि पर आज निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा, और इस बीच में हमारे बीच में सभी समाज के वरिष्ठ जन की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर एकलव्य जी को एक ज्ञापन भी दिया गया है, क्या किस तरह का ज्ञापन था? ये हमारी बंजारा समाज की ओर से बरसों से मांग थी कि बंजारा समाज का जो एक मुख्य द्वार जो विरसी कारखाने पे मेन गेट पे बना है उसका नाम सेवालाल महाराज के नाम से किया जाए, वो मांग समाज की काफ़ी दिनों से थी। साथ ही यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी संख्या में समाज जन जागरूकता के साथ में आसपास के नागरिकों को बुलाकर स्वास्थ्य लाभ के लिए कह रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमेशा देखा जाता है कि बस्ती में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखते हुए यहाँ अस्पताल है नहीं, उसकी वजह से भी यहाँ पर सुविधा ना होने के कारण उनको समय समय पर हम यहाँ स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से और आंगनबाड़ी की बहनचियों के माध्यम से हम घर घर जाकर उनको स्वास्थ्य का लाभ दिलाने के लिए शासन की जो योजना मिलती है वो हम लाभ दिलाने के प्रयास करते हैं।